हेलो फ्रेंड्स, आज हम चीज़ गार्लिक ब्रेड का एक वर्जन बनाएंगे, चीज़ गार्लिक पराठा। ये हमने घी और मैदे के आटे से बनाया है। तो आइए, सुरती फूड मैनिया में आज हम देखते हैं चीज़ गार्लिक पराठा। ये हमने 2 टेबलस्पून मक्खन लिया है और ये सब कुछ मसाले पड़ेंगे, इसे हम बारीक बारीक देख लेते हैं। ये ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स है, ये मिक्सअप और ब्लैक पेपर है, ये रॉ गार्लिक है और ये धनिया। सबसे पहले हम लहसुन को बारीक चॉप कर लेंगे, नहीं तो फिर पीस लेंगे। बटर में हमने थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि बटर ऑलरेडी सॉल्टी है, तो थोड़ा सा ही नमक डालेंगे हम। और फिर ये हमने जो लहसुन पीसा है वो डाल देंगे। ये मिक्सअप और काली मिर्च है, ये भी डाल देंगे। चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो, और यह कटा हुआ धनिया है वो भी डाल दें। ये सबको हमने मिक्स कर लेना है। लहसुन कच्चा ना लगे इसके लिए हमने इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए। अच्छा है तो उसे पैन में भी पका सकते हैं, नहीं तो फिर रॉ लहसुन भी खा सकते हैं। ये हमने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए उसे डाल दिया है। ये हमने चीज़ जो डालने हैं वो है प्रोसेस चीज, और ये अमूल का मोज़रेला फ्लेक है। आपके पास जो भी हो वो आप डाल देंगे तो चलेगा। अभी हम पराठे का आटा गूंदने की तैयारी करेंगे। 1 कप गेहूँ का आटा लिया है हमने, इसमें 1/2 कप हमने मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, इसमें हम नमक और तेल डाल देंगे। और सॉफ्ट पराठे का आटा गूंदते हैं वैसा ही गूंद देंगे, अच्छी तरह से उसे मसल के गूंद देंगे। ये हमारा आटा बनके तैयार हो गया है, देखिए इतना सॉफ्ट रखना है हमने। और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे, मतलब कि ढक के रख देंगे। ये हमारा ऐसा आटा तैयार हो जाएगा। इसके हमने पेड़े बना लिया है और इस पेड़े को हम पूरी की साइज़ का बेल लेंगे। फिर हमारा जो स्टफिंग हमने बनाया है मक्खन का वो उस पर स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी तरह से उसे स्प्रेड कर लेंगे। और आप जितना चाहे उतना उस पर चीज़ डाल सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो अच्छे से चीज़ डालिए और पराठे को सील कर दीजिए।
देखा हमने कितना सारा चीज़ उसमें डाल दिया है, और इसे हम पराठा सील करके फ्राई करेंगे। इसको हमने बिना तेल के दोनों साइड से पका लिया है। पहले हम उसको ऐसे ही पका लेंगे और फिर सबको बाद में मक्खन या घी लगा के क्रिस्पी करेंगे। इसके डबल सेकने से बहुत अच्छा क्रिस्पी होता है। आपकी मर्जी होती, आपको जैसे भी पराठा सेकते हैं, वैसे भी करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको दो बार सेका था। हमारा डिजाइन तेल के पराठा सेकते तैयार हो गया है। ऐसे हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। ये दूसरा पराठा बन के तैयार है और ये हमने इसको ऐसे ही सेक लिया है। ये तो फिर आप ऐसे सब पराठे बन के तैयार रख सकते हैं, और जब खाना हो तो गरम गरम उसको घी या बटर में सेक के इंजॉय कर सकते हैं। मर्जी आपकी है। घी में मैंने सेका है, उनके तैयार हो गया है। तो आप सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सेव कर सकते हैं। थैंक यू।